नंद राय जी क्या कह रहे हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है व्यासी, इतना बढ़िया है कि घर घर में लिखा देना चाहिए, इतना सुंदर श्लोक है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजे धर्मम पारंपरयागतं नरः कामान लोभाद् भयाद् द्वेषात् सवै नाप्नोति शोभनम्। क्या बढ़िया श्लोक, वाह। य एवं विसृजे धर्मम, जो इस प्रकार से धर्म का त्याग करता है। धर्म किसको कहते हैं महाराज जी? धर्म की परिभाषा है इस श्लोक में, पारंपरयागतम, परंपरा से प्राप्त। मातृकुल पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त। और व्यासी, जब हम परंपरा का चिंतन करेंगे तो कोई ईसाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई किसी दूसरे धर्म का नहीं है। सब मूल में सनातनी ही थे। जहां से इस्लाम चला है उसके जो मूल थे वो भी सनातनी ही थे। डेढ़ हजार साल भी तो नहीं हुए, कितने साल पुराने है महाराज जी? 1400 साल से कुछ आगे तो हुआ है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। ईसाई मत को कितना समय हुआ? 2024 चल रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। इसके पहले कौन सी परंपरा थी? आखिर मनुष्य तो थे कि नहीं थे? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वेद में लिखा है, संपूर्ण उपलब्ध विश्व आर्य धर्मी था। सब सनातनी थे, सब वैदिक धर्म का पालन करने वाले थे। पूरे संसार में वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। इसलिए धर्म उसी को कहेंगे जो परंपरा से प्राप्त है। और परंपरा का मूल कौन है? व्यासी कौन है? श्री ठाकुर जी ही परंपरा का मूल है। भगवान के मन में सृष्टि का संकल्प उत्पन्न होता है तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि का विस्तार होता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। तो सबकी परंपरा के मूल में कौन है? भगवान। आप सब गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इन महात्माओं से पूछो तो सबके मूल भगवान है कि नहीं? इसलिए व्यास जी एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त जो संस्कार हैं उसी का नाम है धर्म। और जब हम परंपरा ले जाएंगे तो ये हजार दो हजार साल की परंपरा नहीं, सौ पांच सौ वर्ष की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा, सनातन परंपरा। और वो सनातन परंपरा जो चली आ रही है उसी सनातन परंपरा का नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसको सनातन कहते हैं। आज कितनी पीड़ा मन में होती है, हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, चतुर्थ वर्ग, उस वर्ग को लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया है कि वे बहुत से लोग, हमारे अपने ही लोग, वे अपने को सनातनी मानने के लिए तैयार नहीं, हिंदू मानने के लिए अपने को तैयार नहीं है।
जंगलों में जो कोलभील आदिवासी रहते हैं उनकी बुद्धि में भी ये घुसा दिया गया है कि तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो, और उनको बड़गलाकर फिर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। और हम निवेदन कर रहे हैं कि न हिंदू था, न मुसलमान था, न अन्य कोई मत परंपरा थी, इस धरती पर एक ही परंपरा, उस परंपरा का नाम है सनातन परंपरा, जिस परंपरा का आरंभ सबके मूल जो भगवान हैं उनसे ही सबकी परंपरा उत्पन्न होती है, वही परंपरा के मूल हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।